हेलो दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस एंटरटेनमेंट। माय नेम इज रिजवान और अभी हम आ चुके हैं सुरेंद्र भाई के साथ में और देखते हैं कटिंग की शीप। तो सुरेंद्र भाई आइए, सबसे पहले आप अपने फार्म का नाम और फुल एड्रेस बताइए। अपना फार्म का नाम है जय माँ चामुंडा गोट फार्म जी। अपना मेरा नाम सुरेंद्र है और अपना फार्म का एड्रेस है किशनगढ़ के अंदर। अपना फार्म है राजस्थान अजमेर में, किशनगढ़ के अंदर फार्म है, नया बस स्टैंड के बाजू में। नया बस स्टैंड से ओनली 4.5 किलोमीटर की दूरी पर अपना फार्म है। तो अभी रेलवे स्टेशन कौन सा पास में पड़ता है? रेलवे स्टेशन किशनगढ़ वाला पड़ता है पास। कितना पड़ता है फार्म? 2 किलोमीटर की दूरी। तो कोई भी बंदा आता है रेलवे स्टेशन पे तो आप उसको पिकअप पिकअप कर लेंगे, वहाँ से रिसीव कर लेंगे। बिल्कुल, अजमेर कोई बंदा अजमेर भी आया तो वहाँ से भी रिसीव कर लेते हैं। अजमेर और जयपुर आता तो जयपुर से तो बस में आना पड़ता है, बस में आना पड़ता है और बस में आता है अपने नया बस स्टैंड उतार देती है और वहाँ से पिकअप कर लेते हैं। तो अभी क्या देखने वाले इस वीडियो में? अपन देखने वाला है कटिंग का शेप है अपने पास। अभी आप कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? अपने को मैं इसको कम से कम 6 से 7 साल हो गए। तो कटिंग के अलावा फार्मिंग का भी माल ऑल ब्रीड काम करते हैं अपन। कौन कौन सी ब्रीड पे काम? सोजत, उजरी, बिटल, कोटा, बर्बरी, कटिंग वाला ऑल ब्रीड काम करते हैं। कटिंग में भी मेल फीमेल मिक्स में आते हैं? राइट, मेल फीमेल दोनों मिक्स में आता है। तो अभी हम कोई कस्टमर मेल भी लेना चाहता है कटिंग के अंदर तो वो भी कर देते हैं। तो अभी ये क्या देखने वाला है? शीप, शीप देखने। अभी इसमें सारी फीमेल है मेल है? नहीं नहीं, मेल फीमेल दोनों शीप में। दिखाइए हमें कोई सी, कौन सी ब्रीड है ये शीप की? ये अभिशान में आती है, अभिशान में ऐसी देसी नस्ल। देसी नस्ल, हाँ। क्या बॉडी वेट रहेगा इसका? बॉडी वेट कम से कम है इसका, कम से अपने 35 से 40 केजी की समथिंग। 35 से 40 केजी, हाँ। का तो अभी ये बॉडी वेट से सेल कर रहे हैं या पीस से? नहीं नहीं, केजी के हिसाब से। केजी के हिसाब से कितने रुपए केजी से? ये अपने 200 रुपए केजी से स्टार्ट है और 250 रुपए तक लास्ट फाइनल है। तो वो रेट जो है क्वालिटी के ऊपर जाता है? क्वालिटी के ऊपर जाता है, जैसे मतलब नस्ल रहती है उसके हिसाब से रेट रहती है। अच्छा, इसमें भी कुछ रहता है? दांत वगैरह दिखा जाते हैं इसमें भी? दांत दिखा देते हैं ना, ये कितने दांत है? 4 दांत पे हो गए, हाँ। अच्छा, ये भी बच्चे देती हैं? हाँ, बच्चे देती है, लेकिन ये कटिंग के पर्पस से है अभी। तो बच्चे मतलब देती हैं तो ये एक देती हैं दो? ये कम से कम तीन चार बच्चे लाती है। तीन या चार? हाँ, एक भी ला सकती है, दो भी ला सकती है, तीन भी ला सकती है, चार भी। चार सेम बकरी के हिसाब है? हाँ, सेम पीरियड भी वही 5 मंथ का। बिल्कुल। तो अभी ये जो सेल कर रहे हैं आप, तो हाँ। कोई बंदा लेना चाहे तो कटिंग के पर्पस से सेल कर रहे हैं? बिल्कुल। तो इनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करा देंगे? बिल्कुल, कंप्लीट करवा देंगे इधर से अपन। कोई 50-100 पीस लेना चाहे तो उसकी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करा देंगे? बिल्कुल करा देते हैं, कम से कम 15 से 20 पीस से काम करते हैं। 15 से 20, हाँ, इससे नीचे ने काम नहीं करते। अच्छा, कोई लेता है तो आपका फार्म का रजिस्ट्रेशन करा हुआ है? बिल्कुल कम्प्लीटेड है। आप पक्का बिल बना के देते हैं? पक्का बिल, जिससे रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पक्का अपना फार्म का रजिस्टर बिल बना के कम्प्लीट देते हैं। अच्छा, ये तो कटिंग का माल है, फार्मिंग का माल होता है बकरी होती है तो उसको वैक्सीनेशन लगाते हैं सब कंप्लीट अपने? अगर वैक्सीन करते हैं तो 2 दिन यहाँ ही रुकना पड़ता है। 2 दिन स्टे करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन सी वैक्सीन लगाते हैं अपने? PPR, ET, FMD, FMT ये करते हैं। अच्छा ठीक है, तो दिखाइए अभी इस तरफ दिखा दीजिए कोई हमें। और इनका ब्रीडर नहीं है अपने पास में? अभी ब्रीडर नहीं यार, अभी सारी फीमेल है। अच्छा, कोई छोटी दिखाइए वजन में, कम वजन में? कम वजन में। ये 200 रुपए किलो के हिसाब से अगर कोई 20 केजी की होगी तो वो 4000। ये 20-22 किलो की, 20-22, तो ये 4000 रुपए की पड़ गई आपको? हाँ ऐसा है। ये छोटी बच्ची है अभी? छोटी बच्ची है ये अभी। अच्छा, इसके अंदर कितना मीट निकलता है? देखो आधा निकलता है, 50%। हाँ, 50% निकलता है, 20 केजी का रहेगा 10 किलो फाइनल है। तो इसका महाराष्ट्र साइड में, हमारे महाराष्ट्र साइड में बहुत ज्यादा इसकी रिस्पॉन्स मिलता है इसकी मीट को, कि वहाँ पे इसका मीट बहुत ज्यादा सप्लाई करता है। बिल्कुल बिल्कुल, दुम्बा, शीप, भेड़, बहुत ज्यादा वहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है। राइट राइट, दुम्बे बहुत मांगते हैं लोग। तो ठीक है, आप इसके साथ में बैठ जाइए, फिर आपके एक फोटो क्लिक कर लेते हैं। पकड़ लीजिए, एक शीप पकड़ लीजिए, इधर देखिए। ठीक है सर, तो सुरेंद्र भाई, हाँ? आप अपने फार्म के एक बार और एड्रेस और नाम बता दीजिए। अपना फार्म का नाम है जय माँ चामुंडा गोट फार्म जी। अपना फार्म है किशनगढ़ के अंदर, किशनगढ़ के अंदर। अजमेर से अपना 25 किलोमीटर और अगर कोई कस्टमर जयपुर आता है जयपुर से अपना 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर जयपुर और अजमेर के बीच में अपना किशनगढ़ है, नया बस स्टैंड के बाजू में अपना फार्म है। अजमेर रेलवे स्टेशन कितना पड़ता है यहाँ से? अजमेर रेलवे स्टेशन 25 किलोमीटर पड़ता है। 25 किलोमीटर, तो कोई आता है तो उसको रुकने वगैरह की व्यवस्था सब अपने फार्म पे 2 कमरे बना रखे हैं कस्टमर के। कस्टमर के लिए 2 कमरे हैं? बिल्कुल अवेलेबल, कोई आता है तो रुक सकता है। बिल्कुल। अगर शीप के अलावा कोई फार्मिंग का माल लगता है जैसे कि बकरी, टहल भी, ये अजमेरी नस्ल है, अजमेरी नस्ल की, तो वो भी आप प्रोवाइड करा देंगे? बिल्कुल सब करा देते हैं अपन, ऐसे जैसे डिमांड मिलती है उसके हिसाब से रेडी कर देते हैं अपन माल। ये अजमेरी की एक पीछे भी बकरी खड़ी है, ये बच्चे भी हैं। और कोई कस्टमर आए अपने पास में तो मतलब दो कोई किसी को 50 से 100 पीस सही है जी, तो अपने पास में रुकने की व्यवस्था है जी। दूसरी बात, पहले फर्स्ट में अपने पास माल अवेलेबल नहीं मिलता है तो अपना ट्रेडिंग का काम रहता है तो ऑर्डर के हिसाब से माल रेडी कर देते हैं। कितने दिन में आप प्रोवाइड करा देंगे? देखो, तो अपने 100 पीस करा देते हैं 2 दिन के अंदर, 50 पीस का हो तो अपन 1 दिन में करा देते हैं, 1 दिन में अवेलेबल करा देते हैं। ऐसा है, और
ऑर्डर से पहले अपना 25% एडवांस लगता है अपने पहले, वो एडवांस आने के बाद देना है, देखने के बाद अपना पूरा कंप्लीट कर बातचीत करने के बाद में उसके बाद में दो एडवांस, वैसे कोई एडवांस नहीं देना है। हाँ ऐसा है। अच्छा ये ब्रीडर हम देख रहे हैं, ये अजमेरा ब्रीडर देख रहे हैं, इसको दिखा दीजिए आप, हमें काफ़ी अच्छा लगा ये। हाँ ये देखो अजमेरा ब्रीडर, कितने दांत पे है ये? ये कम से कम दो दांत में होगा भैया, दो दांत में देखो, दो दिखाई 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 सही से देखो, ये दो ही दांत पे है और माशाल्लाह वजन देखिए इसने, कितना वजन इसका, कम वजन होगा इसका 85-90 किलो, नहीं 90 तो नहीं होगा, होगा पक्का, क्यों अंडू बकरा में वजन पकड़ता है भैया, तो वजन बहुत 90 बहुत हो गया फिर, ऐसा है वजन पकड़ता है ऐसा है। इसका हाइट कितनी होगी? हाइट तो कम से कम 40 से 42 के समथिंग है, हाइट तो लग रही है इतनी, लेकिन 40 ज़्यादा बोल दिया आपने, दो दांत पे ही, लेकिन मेन बात ये दो दांत पे इतना वजन इसने गेन किया, आप कान छोड़ दीजिए इसका, दो दांत पे इतना वजन गेन किया, इसका फेस भी पंच फेस में आ रहा है, तो ये अपने पास में ही कब से अपने पास में? ये तो कम से कम हो गया अपने पास में अपने 5 महीने के समथिंग हो गए, 5 महीने हो गए इसको। हाँ 5 महीने में इसने, जब आप लाए थे तो क्या बॉडी वेट था इसका? 5 महीने का कम से कम बॉडी वेट था इसका मिनिमम अपने 35 से 45 किलो के समथिंग, 45। हाँ। जब से इसने यहाँ पे गेन ही किया है, बिल्कुल गेन ही किया। ये बच्चा और गोद में उठा लेंगे आप? हाँ गोद में उठा लेंगे ना, ये पास में ले जाइए ब्रीडर के, फायदा देखिए। ठीक है सुरेंद्र भाई, बहुत बहुत थैंक यू आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा, आपके फार्म पे आए हमने विजिट किया, किसी भी भाई को चाहिए हो, शीप चाहिए हो, फार्मिंग का माल चाहिए हो, ब्रीडर चाहिए हो, और मेन बात कुर्बानी की खस्सी बकरे चाहिए हो, वो भी अवेलेबल आप करा देंगे, सब करा और भाई का अपने पास में कुर्बानी टाइम 300 बकरे अवेलेबल रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। भाई का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पर आप दिख रहा है, ये आप वीडियो हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल BS एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है सुरेंद्र भाई, थैंक यू।